जोधा से दूर जात रहे जलाल मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा की ओर। कहे के मुगलिया सल्तनत के जान रहे ही नगर, बहुर के नींव, हुमायूं के सपना और जलाल के दिल रहे ही नगर आगरा। होशियार बान बाखबर होखी तख्ते बादशाह ख्वारिशे नस्ले तैमूरी नूरे बाबरी इब्ने हुमायूं रहमते आली रौनके जहां शहंशाहे हिंदुस्तान जलालुद्दीन मुहम्मद शारवपुर से आगरा तशरीफ ला रहल बाड़न। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मुहम्मद सल्तनत की शान जैसा ही महल बादलगढ़, और इसी महल के कोने में बसा पर्दा नसीम हरम, जहां मुगलिया सल्तनत के जनानियां रहत रहे, यहां सुंदरता रहे, नाच रहे, ऐसो आराम की हर चीज रहे। कुछ लड़कियां ब्याह के लायल गईल रहे, कुछ जंग में जीत के और कुछ जबरन उठाई गईल रहे, पर सभी लड़कियां खुद के शहंशाह के बेगम समझत रहे। दिलदार कहां तक पहुंचनी शहंशाह, हम जानत बानी, हमके सब बताबा कि वो किस ओर किस दिशा से पहले आई। वैसे भी बहुत इंतजार करवा ले ले हुई बार। हाँ हाँ हाँ, अरे केहु इनका राख के तो देखा कैसन सुखल झील सा हो गईल बा। ई शहंशाह के हरम हा, पर वो यहाँ आपन ज्यादा वक्त ना बितावत रहले, यही खातिर हर केहू उनकर नजर इनायत चाहत रहे। और कितना समय लगाए? अरे कितना भी कोशिश कर ला कुछ भी ना बदली। हाँ शहंशाह आप लोगन की तरफ देखबो ना करिए। हाँ रुके दिलदार, हमार बात तो सुन ल, ए बार कुछ ऐसा कर द कि शहंशाह सीधे हमार आगोश में आ जाए। अरे पहले अपन बदन के गोश तो कम कर ला, फिर आगोश की बात करिए। अरे ए होशियार, हाय हमार तशरीफ के का होखी। हमार तस्वीर शहंशाह के आंख के सामने बना दो, फिर देखिए जे बोलबो ओ दे हब हम। शहंशाह न तोहरा से मिलिए, न तोहरा से, न तोहरा से, वही है ना तो सीधा हमरा। ए होशियार, हमरा बाल में ऐसन खुशबू डाला कि हमरा बाल के खुशबू से शहंशाह मदहोश हो जाए। ए पिनास बेगम, ए तर से तो आप अपन एक दिन बाले जला ले, 2 महीने तक शहंशाह के दीदार हो जाए तो एकरा आप अपन खुशकिस्मती समझब। हाँ तो तोहार कहना बा कि हमनी के उनकर दीदार तक ना होखी। ना ना परी मत भूला कि हम भी उनकर बेगम हैं। बेगम? आप बेगम हैं तो बादशाह बेगम हमें जे खाली नजर ही ना मिलावे ली बल्कि सीधा दिमाग पे कब्जा करे ली। या खुदा वो औरत ऐसन का हा उ रुकैया में जे हम में ना बा। उनकरा में जे बा वो आप सब में नहीं खे अकल। के रहे जे हरम के बेगमन के बेगम रहे, जलाल के बेगम साहिबा रहे। वो एक ऐसन लड़की रहे जे कभी जलाल के बाल नोचे रहे, जे कभी जलाल के पैर पे पैर फंसा के जलाल के जमीन पे गिराए रहे और खुद उनके सीने पे जा गिरल रहे। जलाल के वो बचपन के दोस्त रहे, 9 साल में शादी भइल रहे उनकर और तब से वो उनके जानत रहे। वो एक ऐसन लड़की रहे जे सिर्फ नजर मिला के जलाल के हाल जान लेत रहे। वो जलाल के दोस्त भी रहे, बेहता बेगम भी, हमराह भी रहे, हमराज भी। जेतन यकीन जलाल के अपना आप पे रहे उतना ही यकीन रहे ओके रुकैया पे। रुकैया जलाल के मोहब्बत रहे और हरम में जलन के वजह भी। दिखे में आम लड़की जैसन रहे
पर ओकर सियासती समझ खास रहे, इसलिए जलाल खास मसला में ओकर राय हमेशा ले। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। बेगम साहिबा, शहंशाह की वापसी मुबारक हो। शहंशाह सिर्फ 2 मीनार की दूरी पे बाड़े। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। बेगम साहिबा के इंतजार अब खत्म भइल। शहंशाह सिर्फ 1 मीनार की दूरी पर बाड़न। हाँ, आदाब बेगम साहिबा। शहंशाह सही सलामत आगरा में तशरीफ ला चुकल बाड़न। शहंशाह कभी भी यहाँ पहुंच सकेले, आज हम उनकरा के ना छोड़ब। जलन के भी हद होला नाजिमा, तू जानबूझ के धक्का देलो हमके। हम तो के काहे धक्का देब, हमार बस चले ना तो हम अपन नजर से भी ना छुप तोके। जहन्नुम तक नसीब ना होके तोके नाजिमा। लो सुन लो, जियत जागत सुहाग सामने खड़ा बा और ये जनानी लोग टीका खातिर रो रहल बड़ी। ला कितना भी सजला समरला, लेकिन शहंशाह के दिल में रुकैया की जगह और केहू ना ले सका था। शहंशाह के नजर में तो तहार कोनो तवज्जो ही ना, उतर रुकैया पर ही रुकल हा। यहाँ आगरा में औरत ऐशो आराम और एक दूसरा से तकरार में जुटल रहली, और वहाँ आमेर में सारा औरत मुश्किल के सामना करे खातिर एकजुट होत रहली। आप हमके हेजा काहे लेके आयल बानी? एक गुप्त सुरंग दिखावे, ताकि अगर युद्ध में हमार पराजय भइल तो वो भेड़ियन से बचे खातिर हमनी के पास खाली यह एक रास्ता रह जाई, और ये रास्ता हमनी के आमिर के बाहर तक ले जाके छोड़ी, और फिर हमनी के पास केवल 2 रास्ता होगी।
एगो हमनी के नसीब और दूसर जौहर। ना भाभी साहब, आपके ये सोचे की आवश्यकता ना बा, उल्टा हमनी के ये सोचे के चाहे कि हमनी के विजय होखी और जरूर होखी, और हमनी के ई सोच हमनी के योद्धा के तलवार के धार बनी। और अब बापूसा अकेले भी ना बनी, उनकर मदद खातिर भानपुर भी हमनी के साथ बा। अरे भाभी सा, का बहल आपके? भाभी सा पेट से है जोधा। सच? हम अभी जाके भाई सा के बतावत आनी, वो सुन के कितना खुश हो जाइए। ना जोधा। काहे ना भाभी सा, इता आमेर खातिर कितना बड़ा अवसर बा। राजा भारमल के यहाँ पोता होगी, मासा और बापू सा भी सुन के कितना खुश हो जाइए। हम अभी जाके घोषणा करावतानी। जोधा ना, ना। का? आप इतना बड़ा खुशी के बाद छुपावे काहे चाहता नी? अब भाई सा तई बारे में जाना था नी ना? सही समय आवे पर उनकर आके भी बता दे। तो फिर अभी का है ना भाभी सा? कह के अभी हर जगह युद्ध के नगाड़ा बजत सुनाई दे रहल बा, और ये समय अगर उनकर आके पता चलल कि हम पेट से बानी तो बहुत परेशान हो जाई है। ऐसे माहौल में हम औरतन के उत्याग खातिर तैयार रहे के होखी। का हम औरत खाली त्याग खातिर बनल बनी? वो देखी हमीदा बेगम जलाल के सेवैया खिलाए आ रहल बाड़ी। ई हक सिर्फ अम्मी के हो खिलाओ। हाँ हाँ, वह ते बाड़ी हमीदा बेगम ही ते आ रहल बाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। आगरा में वापसी मुबारक हो जलाल। ई हमरा खातिर खुशी के वक्त हा। ली मुंह मीठा करी। गुस्ताखी माफ। अब मुंह मीठा कर सकेले। आप मल्लिकाए आजम के हाथ कैसे रोक सका था ही महामंगा? आप मल्लिकाए आजम के नियत पे शक कैली? गुस्ताखी माफ होखे मल्लिकाए आजम, हम आपकी इरादा पे शक ना कर रहल बानी। सेवैया बावर्ची खाना से आई बा, शहंशाह के सलामती हमार फर्ज बा। आप कहे का चाहत हई? मरियम मक्कानी जलाल के? हम कहनी हम केहू पर इल्जाम ना लगा रहल बानी, हम बस अपन शक दूर कर रहल बानी। और अगर वाकई में जहर होता तो का होखत? हमार सांस अपन शहंशाह के नाम कुर्बान हो जाईत। हम खुद के भी इतना फिकर ना करेली जितना आप हमार करेली। अब हम ही सेवैया सिर्फ आपके हाथ से पिया। हाँ हाँ, काहे ना, अगर हम माँ हैं तो आप भी तो दाई माँ हैं। औरत से बहुत खबरदार रहने की जरूरत बा।
ऐसन आप कहता नहीं वकील सल्तनत बला लेके जहर देवे वाली है औरत। चश्मे नूर खुशबुए हुस्न जे आपके दिलो दिमाग के मतहोश कर दे ऐसन हाय ये त्रशहंशाह हाय सुभान अल्लाह। रुकैया के दिल और सल्तनत आगरा में आपके इस्तकबाल बा शहंशाह। ये सब का बा रुकैया? खेल जे आप अधूरा छोड़ के चल गई रहनी। बहुत जिद्दी बानी आप। ऊ तो हम बानी एक तो औरत दूसर जवां तीसरा मुगलिया सल्तनत के शहंशाह के दिलो जां जिद हमार हकबा। अब हारे खातिर तैयार हो जाएं। आखिरी चाल हम चल ले रहनी। अब आपके बारी। ई चाल मतवाली ना मात वाली रहे शहंशाह। का करी आप तो हमके चारों तरफ से घेर ले बानी। अब हाथ तैबाप के जाने ली आप कि जब बचपन में पहली बार खान बाबा हमरा हाथ में शमशीर थमाई ले रहले तब का पूछ ले रहले हमरा से कि हम सबसे पहले केकरा के मारब और हम कहनी आपन शिकस्त के ताकि वो फिर हमरा दोबारा ना मिले। कहें कि हमरा हारल बिल्कुल पसंद नहीं के। पर हमके जीत पसंद बा। एही से तो दिल हार के जीत ले ले रहनी आपके। ईली देख अब कि आज के किकरा के मात दे। कमाल की चाल चल ले रहनी आप। आपके साथ इतना बड़ा फौज रहल लेकिन सबके आंख में धूल झोंक के आप इतना दिन तक कहां गायब रहले क्यों के पता भी ना चलल। आप खामोश काहे हो गई नी? कौनो नया चाल सूझ रहल बा या तब है चोरी पकड़ल गई? यही से हैरान बानी। अब तारा से का छिपाई? कहें कि हमने एगो शौहर और बेगम से ज्यादा एगो अच्छा दोस्त बानी। हम आमेर गईल रहनी। आमेर काहे? दुश्मन के आंख में शमशीर से सूरमा लगावे उनकर घेरा में जाके उनके चुनौती देवे। अब आप भी बच के रहिया। ये हमार चाल और शह। ये तो गलती कर दिहले आप। ये हमार चाल और ये मात।
जीत मुबारक हो के आपके। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा। का हुआ होशियार खां? बातीबा की जब से शहनशाह के आवे के खबर मिलल बा, हरम में हंगामा हो गइल बा। सबके सब सजे संवरे लगल बड़ी ताकि शहनशाह के नजरे इनायत हो सके। खास तौर से वो पिनाज बेगम, वो तो जनान खाना में ऐसा हंगामा खड़ा करके रखले बड़ी कि अल्लाह कसम हम तो वहाँ खड़ा भी ना रह सके। नहीं अभी मसला के तो आपके सुलझावे के पड़ी। वैसे उनकर मसला आपसे है शहनशाह, सबके शहनशाह के नजर इनायत चाहिए। आप देख लेना आपके आते आते ही सब यहाँ कैसे नजर बिछाए खड़ी रहे। पर हम यहाँ शतरंज खेले आ गई नी, फिर ये कहे कि हमरा पास शिकस्त खाए आ गए। हम जानबूझ के यहाँ पे आयल बानी। काहे? काहे कि तू सबसे अलग पाड़ू। उनकर जिस्म उनकर खूबसूरती हमके खुश तो कर सकेला, लेकिन हमके समझ ना सकेला। एक तू ही बाड़ू जोन हमके बचपन से जाने लू और हमके समझे लू। हमार सबसे चहीता बेगम और हम क्या तबार बात आ रहा पे। आपके पसंदीदा खुशबू हमार हर पसंद के खबर बना तारा के। ओ तो होनी ही है, आप दोस्त भी है, शौहर भी और शहंशाह भी। और हम सबसे ज्यादा काबानी। दोस्ती तक कम ज्यादा हो ही न सकता। रहल बात शौहर और शहंशाह के, ता अगर आप शौहर तो हम आपके बेगम, अगर आप शहंशाह हम आपके प्रजा। और तू का बने चाहता रू? एक ऐसा लड़की जेकरा सामने दोस्त अपन दिल, शौहर अपन ईमान और शहंशाह अपन सर झुका दे। सुभान अल्लाह। बेगम साहिबा, हम अब बे आवत बानी। वैसे आमेर के अधूरी बात हम रात के पूरा करब। उ होखे ली के आखिर इंसाफ करे वाली शहंशाह की चाहे दीजे बाड़ी। हाँ, हम तो बस रोज खुदा से एक दुआ करत हई कि काश कुछ ऐसा हो कि रुकैया के बुखार वो शहंशाह के दिलो दिमाग से उतर। दिल शहंशाह के सीना में दिल बाही ना, और दिमाग पे हम सवार हैं। और कुछ कहे के आप दोनों के? ता फिर कहां बा हमार अंगूठी? हमके का पता, हम थोड़े ना चुराई ले बानी आपके अंगूठी। का हो रहा है आप दोनों के बीच में? बेगम साहिबा, पिनाज बानो अपन अंगूठी भुलवा देले बड़ी। ता खोजा, खोजे पर हमके पता चलल कि हमार बेश कीमती अंगूठी जे शहंशाह खुद हमके देले रहे उ नाजिमा के पास बा। बेगम साहिबा, हमके का जरूरत बा इनकर अंगूठी चुरावे के? हमरा पास का कमी बा जे हम इनकर अंगूठी चुराई बा? तलाशी ला। आप सबके सामने हमके बेइज्जत कर रहल बानी रुकैया बेगम। हम कहनी ना हम कौनो अंगूठी ना चुराईनी। साहिबा, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई, चोरी से भी बड़ी आपसे झूठ बोले के गलती। हाँ, हमके माफ कर दी। एक तो चोरी, उस पे सीना जोरी। चोरी नाजमा ना आप कली पिनाज। और जरा बताई ई अंगूठी हा के कर? जवाब दा आपके जे आप तब चुराई ली जब हम हमाम में नहात रहनी।
हम अपन चीज कभी ना भूले नहीं, खासकर वो चीज जे शहंशाह हमके देले हैं। अरे आप लोग खड़ा खड़ा का देख रहल बानी? अरे जिकर अंगूठी रहे ओकरा पास पहुंच गई। चलो जा सब लोग। मान गए नहीं आपके, आप रुकैया बेगम के अंगूठी चुरावे की जरूरत कहीं नहीं। होशियार आज तक अंगूठी चुराईनी है, एक दिन शहंशाह के भी चुरा लेब हम। अब आपके जागती बा रुकैया बेगम, आप ऐसा काहे कहनी कि शहंशाह के सीना में दिले नहीं है? शहंशाह के सीना में अगर दिल ना हो तो आप कहाँ रहती? हम उनके दिमाग में रहेली, दिल में ना। दिल बहलावे खातिर ख्याल अच्छा बा, पर हमरा तो कबो कबो डर लागेला। कौना बात के? खुदा ना खास्ता अगर सचमुच शहंशाह के सीना में दिल निकलल और उनकर दिल पे क्या हुआ और के कब्जा भइल ता त हम तोहार जान ले ले होशियार। आप ऐसा नहीं की कर सकत। काहे? काहे कि न तो हम जनानी हुई जिकरा से आप जलन करब, और ना मर्द जिकरा से मोहब्बत। आप ये आईना के नहीं की जोड़ सकत। आईना? हाँ, काहे कि एगो हम ही तो बानी जे आईना के तरह सच्चाई आपके साफ साफ बतावे नी। एक तरफ आगरा में सियासती मसला के दौर चलत रहे, ता दूसरी ओर राजपूताना में लोहा पिघलत रहे, तलवार तेज होत रहे और राजपूत सैनिक पगड़ी उतारकर शस्त्रान पहने लाग रहे। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताए नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम काली माताए नमः। असमंजस केवल ऊपरी दिखावा है, मैनावती इंसान के दिल सच्चाई परख ही ले था। जैसे तोहार दिल तोहार बेटी के भविष्य के परख चुकल, हम जानत रहे तू यहाँ जरूर आईबू। जुदा अबके भीते बेटी बड़ी शगुनी बाई, एक राजपुतानी माँ कभी सोच सकेले कि ओकर बेटी के ब्याह मुगल से होगी? एक राजपुतानी माँ मर जाई पर कभी ऐसा ना सोची, पर भाग्य के लिखा ऊता भुगते के ही पड़ेला। तो बदल दी ना भाग्य के, आप तो माँ के परम पुजारन बने शगुनी बाई, कुछ उपाय करें वरना ही माँ अपना बेटे के मांग में राजपूतना सिंदूर के बजाय मुगली अल्लाह देखे से पहले ही दम तोड़ दी। कुछ करें, कुछ उपाय करें, कुछ। का कर रहल बानी आप? कोशिश, हाथ से भाग्य के रेखा मिटावे के कोशिश। देखा देखा ना मैनावती, खून निकल आइल हा, पर रेखा मिटे के नाम ही ना लेत। जोधा के भाग्य पढ़ के हमके भी धक्का लागल रहे, और ई कोढ़ियन के सौगंध शाम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनावे के तैयार रहे अगर जोधा के भविष्य के बदल सकित, पर ई बात हम इंसान के भ्रम हा कि हम अपन भाग्य बदल सकत हैं। नर से जुड़ी रहे तोहार साथ तोहार जोधा, त
तब भी अपन भाग्य रखत रहे ऊ, आज भी ओकर अपन भाग्य हा। जा महारानी, जोधा के विवाह के तैयारी करा, समय बहुत कम बा, और तू कुछ भी नहीं की कर सका। वो दिन बावड़ी में भी सूर्य भांजी के जगह हम वो मनोज जलाल के चेहरा के ही देख ले रानी। राजा सूर्यमान जोधा से विवाह करे से मना कर दे ले। जोधा के विवाह के तैयारी करा, समय बहुत कम बा। माँ के पुजारन बड़ू सगुनी बाई, पर माँ की शक्ति के ना जानत बड़ू। अब हम स्वयं बदलब जोधा के भविष्य, हम बचाई बोके। जोधा रेवा, रेवा, रेवा। जी रानी सा। ई दू पत्र बा, इनकरा पे जनकर नाम बा उनके तक पहुंचाए के चाही, और ध्यान रहे। जा। अचानक इतना रात के हम के यहाँ कहें बोले नहीं राजकुमारी। ये प्रश्न तो हम आपसे करे वाला रहनी, आप हम के ऐजा कहे बोले नहीं। हम के पत्र मिलल बा, ये देखी। हमरा के भी कर, मतलब हमरा से केहू मजाक कर लेबा या केहू चाल चल लेबा। हमने यहां से जाए के चाहे जोधा, अगर ये केहू के षड्यंत्र बा ते हमने आसानी से शिकार बन सकेला। मुगलन से युद्ध के तैयारी शुरू हो चुकल बा, हमने के मजाक के भी हंस के ना लेवे के चाहे। आप इनसे अपन चुनरी बदल ली ताकि अगर हम लहोखे ते ही पता ना चले कि राजकुमारी के बा।
मुगलन के साथ युद्ध आसान नहीं खे। आप ते जाना थी बानी कि हमारे जीवन के कितना खतरा बहे वक्त। यदि हमरा के युद्ध में कुछ हो गए तो हमरा के वचन दी कि आपके हुआ और से ब्याह कर ले। हमके विश्वास बा, आप वापस आइए। हम आपसे कुछ और भी कहल चाहता नहीं जोधा। हम आपके प्रतीक्षा जीवन भर कर सकेला, पर यदि हमरा के युद्ध में कुछ हो गलता। कुछ ना होगी, मिट्टी खातिर लड़े वाला कबो ना मरेले। और हमके पूरा विश्वास बा, युद्ध में आपके अवश्य विजय होगी। हमार वचन बा ए मिट्टी से कि हम आप खातिर जरूर वापस आए। हमरा के माफ कर देव जोधा, आपके तरह से स्पर्श के उचित नहीं खे। पर अगर हम आपके हाथ ना थमती तो आपके हमके संभालब हमरा खातिर सौभाग्य के बात बा। तोहरा से ऐसा नाशा ना रहे जोधा। पर बापू साहब, काहे भूल गयलू तू कि तू हमार बेटी बाड़ू, एक राजकुवरी बाड़ू, राजपुतानी बाड़ू तू। जब राजा सूर्य भान सिंह तोहरा से कहले रहले कि युद्ध से पहले वो तोहरा से विवाह ना करी है, फिर काहे रात गयल तू उनकरा से मिले गयलू, का मतलब रहेगा? आप हमार बात काहे ना सुन रहे? जो देखनी है वो कम रहेगा जो तुहार बात और सुनी। अरे विवाह के बाद केहू कुछ ना पूछेला, किंतु विवाह से पहले एक तरह से मिलल। राजा सूर्य भान सिंह से तो हम कुछ कह नहीं सकत। जमाई सके पदवी देले बानी हम उनकरा के, जी चाहत आ कि गला घोट दी तो घोट दी बापू सा। बाकी एक बार हमार बात तो सुन ली। हमनी दोनों के नाम से पत्र लेके हमनी के बुलावल गए रहे बापू सा, और जब हम उनकरा से मिलने तो पता चला ली सब झूठ रहे। क्यों मजाक कैले रहे या दुश्मन के चाल रहे बापू सा?